हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डार्विस एंड यू आर वाचिंग अनदर गेम प्ले वीडियो। आज इस वीडियो में माइकल फ्रैंकलिन को एलएसपीडी से एस्केप कराएगा। फ्रैंकलिन को पुलिस ने 2 दिन पहले अरेस्ट कर लिया था और वो आज फ्रैंकलिन को एलएसपीडी से सेंट्रल जेल में शिफ्ट करेगी। तो हमारे पास केवल आज का टाइम है फ्रैंकलिन को एलएसपीडी से एस्केप कराने का। तो आज हमारे पास एक पुलिस का फ़ोन आया था, उसने हमें सारी डिटेल दी कि इतने इतने गार्ड्स हैं, इतने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, क्या था 2 रायोट बस, 1 प्रिजन बस एंड 2 स्वेट सोल्जर, 2 स्वेट सोल्जर बाइक पे वहाँ जाएंगे फ्रैंकलिन के साथ। हमारे पास ये इसे बहुत अच्छी सिक्योरिटी के साथ ले जा रहा है और आज पुलिस डिपार्टमेंट पे सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है, तो पुलिस डिपार्टमेंट से तो उसे वो नहीं करा सकते। और अब मैं वहीं जा रहा हूँ और वहाँ जाके मुझे पता चलेगा कितनी सिक्योरिटी है और क्या क्या है। चलो गाइस, फिर हम आपको वहीं मिलते हैं एलएसपीडी डिपार्टमेंट में। हाँ जी गाइस, अब मैं लोकेशन में पहुँचने वाला हूँ, तो हम वहाँ जाके पता करते हैं कि कितनी पुलिस है एलएसपीडी डिपार्टमेंट में। तो पहुँच देखते हैं यहाँ कितनी सिक्योरिटी है एक बार से। तो वो पुलिस वाला ठीक बिल्कुल ठीक कह रहा था, यहाँ सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा है। अरे यार, तो हम चलते हुए पहुंच चुके हैं एलएसपीडी डिपार्टमेंट। यहाँ सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा है, 2 रायट बस प्रिजन। पीछे चलते के देखते हैं, यहाँ से इसके पास से नहीं जाता मैं, थोड़ी साइड में लगा लेता हूँ गाड़ी। अभी इन्होंने आज सिक्योरिटी करी, एक बार साइड से तेजी से निकल देते हैं, अभी मेरे को कोई खतरा तो नहीं। यहाँ हमेशा कोई सिक्योरिटी नहीं रहती, पर आज यहाँ पे भी सिक्योरिटी खड़ी है, सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं। एक बार चारों तरफ से चक्कर काट लेता हूँ, यहाँ हर एक जगह पे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं और पुलिस सोल्जर इन्होंने ऊपर भी बिल्डिंग के ऊपर भी खड़े कर रखे हैं, बिल्कुल एम लगा के। देखो, 1 रायोट बस, 2 रायोट टैंक्स, 1 प्रिजन बस और 2 मोटरसाइकिल्स। मैं वहाँ से निकल आया हूँ, मेरी लेस्टर से बात हो चुकी है। लेस्टर ने मुझे मना कर दिया कि वो मेरी इस प्लान में कोई मदद नहीं करेगा, बस उसने ये कहा है कि तुम इसे रास्ते में तुम इसे एस्केप करा सकते हो। तो मैं अब मास्क लेने जा रहा हूँ, तो देखते एक मास्क और अपने कपड़े बदल के फिर मैं जाता हूँ, फिर वहाँ जाके पुलिस को रास्ते में उन्हें रोकेंगे। तो चलो मिलते हैं, मास्क की दुकान बस आने वाली है। मुझे गूगल मैप्स का इस साइड का रास्ता इतना याद नहीं है, लॉस सैंटोस का। तो बस ये लो गलत, थोड़ी सी देर में ही हम मास्क की दुकान पर पहुंचने वाले हैं। पूरे लॉस सैंटोस में केवल एक ही मास्क की दुकान है, फेस मास्क की। चलो अब हम पहुंच चुके हैं। साइड हो जाओ, एक तो यहाँ से कोई साइड नहीं हटता और जैसे मैं किसी को ठोक दूँ तो पुलिस आ जाएगी। आप देखो तेरी। चलो हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल मास्क की दुकान पे, मास्क लेता हूँ एक और फिर मैं अपने कपड़े चेंज करूँगा। ये भी चेक कर लेते हैं सारे मास्क कौन कौन सा अच्छा लग रहा। मेरे हिसाब से तो मुझे ये मंकी वाला मास्क सबसे बेस्ट लग रहा है। चलो और कोई देखते हैं, नहीं मंकी वाला मास्क ठीक है। अब मुझे एक ड्रेस बदल लेनी चाहिए, जैसे कि मैं शर्ट बदल लेता हूँ सूट में रहूँ, तो सूट में जाते पता चल जाता है कि माइकल हमेशा सूट में रहता है, तो इसलिए कोई कैजुअल शर्ट या वैसे पहन लेता हूँ जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना है। और वेपन्स तो मेरे पास अभी सारे ही हैं। चलते हैं, यही आगे एक उसकी दुकान है, क्या बोलते हैं, क्लोथ्स की दुकान है। तो वहां जाके मैं बदलता हूँ, छोटी सी दुकान है बिंको करके, हाँ मोरी साइड में मोरी।
चलो चलते हैं, देखते हैं कौन सी है। चलो मैं कपड़े ले लेता हूँ, ये वाले तो ये नहीं आ रहा है, सीधा चल यार। मैंने मंकी कैप तो ले लिया, मैं मंकी मास्क तो ले लिया, मैं जाके ड्रेस ले लेता हूँ। मेरे हिसाब से शर्ट ठीक रहेगी, ये वाली शर्ट तो ठीक नहीं लग रही, ये वाली मुझे बेस्ट लग रही है, ये ठीक लग रही है, सही ले लेते हैं। चलो अब चलते हैं, और कुछ ट्राई करूँ नहीं, अब मैं सीधे यहाँ से वहाँ निकलता हूँ LSPD के लिए। चलो आपको LSPD पे ही मिलते हैं हम। हाँ जी गाइस, जब मैं लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट पहुंच चुका हूँ, मैं देखते हैं कि कितनी देर में वो वहाँ से शिफ्ट करते हैं। मैं यहाँ वेट करता हूँ ट्रक्स के जाने का, एक बार चेक कर डालता हूँ कि देखते हैं कितनी देर में निकलेंगे। मुझे व्यू तो आ रहा है, अभी मैं ट्रक खड़े हुए हैं, चलो देखते हैं सारे खड़े हुए। मुझे जल्दी से जाके आराम से गाड़ी में जाके बैठ जाना चाहिए। चलो चलते हैं, मैं यहाँ वेट करता हूँ थोड़ी देर उनका निकलने का। अब मैं चुपचाप जाके गाड़ी में बैठ जाता हूँ, देखते हैं जैसे ही उनकी गाड़ी निकलेगी मैं एकदम उनका पीछा करना शुरू कर दूंगा। अब वेट करते करते बहुत देर हो गई, अब थोड़ी देर में वो उनका ट्रक हो रही है, पूरी गाड़ी निकलने लगनी, वो गाड़ी अब निकलनी शुरू हो चुकी है। अब मैं मुझे यहाँ से निकलना होगा। अब मैं इनका पीछा करते करते वहां तक चला जाता हूँ। अब प्रिजन बस निकलना शुरू हो गई है, तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मैं बिल्कुल उनके पीछे से नहीं, बिल्कुल साइड के रास्ते से निकलता हूँ, और उनके उनके जाने से पहले मैं हाईवे पे जाके हाईवे के ब्रिज पे जाके वहाँ खड़ा हो जाता हूँ। फिर मैं RPG से उनका उनके गार्डियन ब्लास्ट करके फिर फ्रैंकलिन को लेके जाऊँगा। अब देखो यहाँ से वो निकल गए हैं, अब मेरे को यहाँ से बिल्कुल सीधे गाड़ी 33 मंगा के वहीं निकलना चाहिए। देखते हैं क्या क्या होता है। सिक्योरिटी तो मुझे बहुत ज़्यादा हाई लग रही है, मुझे लगा है ये इतनी बीच की सिक्योरिटी इन्होंने माइकल को पकड़ने के लिए तो नहीं बुलाया कभी। देखते हैं, ये कोई चांस नहीं लेना चाहते कि फ्रैंकलिन किसी भी तरह से एस्केप हो जाए। मैं यहाँ से धीरे धीरे देखते हुए चलता हूँ, मुझे यहाँ से बिल्कुल तेज निकलना चाहिए। तेज निकल के मैं वहाँ चला जाता हूँ और फिर हाईवे पे वेट करता हूँ। मेरे हिसाब से मुझे इसी पुल से जाना चाहिए, क्योंकि फिर आगे कोई भी ऐसा रास्ता क्लियर नहीं है, आगे कोई ऐसा पुल नहीं है जिससे कि मैं इन्हें यहाँ पुल से शूट कर सकूँ, तो मुझे पुल पे जाना चाहिए। फिर आगे बहुत ज़्यादा आगे जाके पुल है, फिर वो बिल्कुल पुलिस LSPD सेंट्रल जेल के पास वो पुल है, तो मुझे पीछे चला जाना चाहिए। यहाँ चला जाऊँ, एक ट्रक भी बीच बीच में बार बार आ रहा है। मुझे माउस जहाँ ही सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, अपनी गाड़ी लगा के फोन सभी देख लेते हैं क्या क्या व्यू है, कितनी कितनी गाड़ी आ रही है। चलो अब चलते हैं, या मैं ऐसे करके गाड़ी पार्क कर देता हूँ और देखते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं गाड़ी कितनी देर में आएगी। मैं ट्रक्स बहुत धीरे धीरे चला रहे होंगे, क्योंकि उनके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड्स मतलब सोल्जर्स भी खड़े हैं। मैं स्नाइपर से एम करके देखता हूँ, देखते हैं दूर तक, जैसे दूर से गाड़ी आके पता चल जाएगी, मैं RPG निकाल के RPG से शूट कर दूंगा उन्हें। देखो मुझे खड़े खड़े रात हो गई, और ये गाड़ी अब आई और बहुत धीरे धीरे चल रही है। अब देखते हैं कितनी देर मारे वो। देखो ये ट्रक, इसके ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत धीरे धीरे चल रही, उससे तेज तो प्रिजन बस चल रही है और पीछे वाला ट्रक चल रहा है। हम देखते हैं वो कितनी देर में आते हैं, बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे स्पीड में चल रहे हैं सारे ट्रक्स।
मैं उसे स्नाइपिंग से डाउन कर दूं, पर स्नाइपिंग ठीक नहीं रहेगी मुझे। उसे आरपीजी से ही डाउन करना ठीक रहेगा। प्रिजन बस उससे तेज चल रहा है, कभी कभी आगे बहुत ज्यादा ही धीरे चल रहा है। बता ही कितना धीरे वाला ड्राइवर बैठा है इसमें। हम देखते हैं कितनी देर में आती है, बस आने वाली होंगी। खड़े खड़े वेट करते करते शाम से रात हो गई है। हम थोड़ी सी और आगे आ चुकी है। मैं आरपीजी से शूट करने कर दे रहा हूँ केवल। बिल्कुल आप सही पोजीशन पर आ गया। मैं आरपीजी से उसे शूट कर देता हूँ, एकदम गिरा देता हूँ। मेरा आरपीजी ब्लास्ट करते एकदम 3 स्टार पुलिस आ गई मेरे पीछे। गाड़ियाँ तो उनकी रुक चुकी है, मेरे को वहाँ से चल यहाँ से चलना चाहिए बिल्कुल। और फ्रैंकलिन को वहाँ से निकाल के अपने फ्रैंकलिन को वहाँ से निकाल के पलेटो भी सिटी में एस्केप कराऊंगा, या कहीं ना कहीं फिर फ्रैंकलिन को थोड़े दिन के लिए छुपा के रखेंगे। चलते हैं थोड़ी देर में, आपको वहीं मिलता हूँ। सारी गाड़ियाँ इसमें फ्रैंकलिन है प्रिजन बस में, ये सिक्योरिटी गार्ड्स मर मर उतर उतर के गिर रहे हैं। अब मुझे उनको गोली मार देती है। देखो आगे मैंने पिछला ट्रक भी ब्लास्ट कर दिया, गाड़ी उठते आई। अब मुझे बस यहाँ से जल्दी जल्दी सिक्योरिटी गार्ड्स पुलिस को मारना चाहिए। मेरे को 4 स्टार पुलिस आ चुकी है पीछे। मेरे सबसे प्लान करके बैठे थे जैसे माइकल या कोई बचाने आता है एकदम आ जाएंगे, क्योंकि इस हाईवे के बीच में इतनी जल्दी पुलिस लाना 4 से 5 स्टार इतनी सारी पुलिस हार्ड काम है। मैं चलता हूँ यहाँ से, सबको डाउन करता हूँ। स्वेट सोल्जर बहुत सारे ही बहुत सारे स्वेट सोल्जर आ चुके हैं मेरे को अटैक करने के लिए। वहाँ सारे में पुलिस पुलिस फ्रैंकलिन वहाँ बैठा हुआ है। फ्रैंकलिन मेरे हिसाब से फ्रैंकलिन को इन्होंने मारा है, तो मैं फ्रैंकलिन बेहोश हो चुका है। सबको डाउन करना है जल्दी जल्दी, जल्दी से जल्दी फ्रैंकलिन को नीचे उतार के गाड़ी में बिठा के यहाँ से निकलना होगा। देखने के लिए इन सबको डाउन करते हैं जल्दी जल्दी, फिर फ्रैंकलिन को नीचे उतार के गाड़ी में चलते हैं। तो मशीन गन ठीक रहेगा, मशीन गन से सबको ख़त्म कर देता हूँ जितने पास आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर में बदल करता हूँ, हेलीकॉप्टर ये हेलीकॉप्टर हो गया डाउन। मैं इधर चलता हूँ मशीन गन चलते हैं। इन सारे पुलिस वालों को मशीन गन ठीक रहेंगे, मशीन गन से सारे खत्म हो जाएंगे। ये गाड़ी ब्लास्ट हो गई, अब ये सारी गाड़ी हम ब्लास्ट कर देंगे जल्दी जल्दी। ये वाला अभी डाउन हो गया, हेलीकॉप्टर भी हाँ बस ये हेलीकॉप्टर अब डाउन हो चुका है। बस मुझे किसी भी ध्यान रखना है कि हमारी प्रिजन बस में ब्लास्ट ना हो जाए। हो गए हाँ, लड़ते लड़ते वहाँ से रात से सुबह हो गई है। लास्ट ये लास्ट ये लास्ट में हम दोनों बैठ के आ गए अभी तक। पुलिस ने हमारा रास्ता दोबारा घेर लिया, तो लड़ते लड़ते सुबह ही हो गई है। फ्रैंकलिन को ऐसा हो गया है ना, फ्रैंकलिन अटैक कर रहा है, केवल शांत बैठा हो गाड़ी में, बिल्कुल शांत बैठा हुआ ना अटैक कर किसी को। फ्रैंकलिन कुछ कर नहीं पा रहा है अभी, तो मुझे बस चलते जल्दी यहाँ से गाड़ी एस्केप करानी है। मैं यहाँ से तेजी से निकलता हूँ और फिर रास्ते में किसी तरह गाड़ी को, और ये पुलिस मुझे किसी भी तरह आगे जान नहीं दे रही। हर हर एक एरिया में इन्होंने चेकिंग पोस्टिंग बिठा रखी है। पूरी पूरी प्लानिंग के साथ ही बैठी रहती कि जैसे कोई फ्रैंकलिन को एस्केप कराने आएगा तो वो उसे ख़त्म कर देंगे। और मेरी जो रिंग का जस्टर थी पता नहीं, अब वहाँ से उसमें बैठ के एस्केप करते, पर तब वहाँ से किसी ने गायब कर दी, पुलिस वालों ने गायब कर दिया, पता नहीं किसने गायब कर दी। क्योंकि हम वहाँ से भागने लगे थे तब वहाँ कोई भी नहीं था। हम सैंडी सोर से ड्राइवर के एयरपोर्ट पर आ चुके हैं फिर भी, पर अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ भी सारे पुलिस आ रही है, यहाँ से भागना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं हर जगह पुलिस, जहाँ भी जा रहे हैं हर जगह पुलिस आ रही है। और मुझे लॉस एंटोस के तरह
मैं तो लॉस एंजेलिस में जो टनल बन रही है मुझे उसकी लोकेशन डाल लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये लोकेशन, ये टनल हमारे यहाँ होगी, जहाँ हमारा यहाँ होगी, नहीं यहाँ भी यहाँ हो सकती है हम टनल। एक बार मुझे सर जाके देखना पड़ेगा, मुझे यहाँ से बस जल्दी जल्दी आराम से निकलना पड़ेगा। अब चलो यहाँ से चलते हैं। एक तो सामने से इतनी गाड़ी आ रही है कि इसकी वजह से मैं जा नहीं पा रहा, और एक हमारी जो डिंका डस्टर थी वो वहाँ से, हमारी जो डिंका डस्टर थी वो वहाँ से गायब हो गई, और उसकी वजह से ये गाड़ी इतनी तेज तो चल रही है। पर इस गाड़ी की बात है कि बुलेट प्रूफ और बुलेट प्रूफ इसके टायर है, तो इसका एक्सीडेंट नहीं हो पा रहा, तो कोई हमें दिक्कत नहीं आ रही। अब मुझे यहाँ से सीधे सीधे निकलना, थोड़ी सी देर में मैं पहुँच तो जाऊँगा। यार ये बार बार सामने से जो गाड़ी आ जा रही है, मैं सैंडी सोरस उसके शहर के पास आ चुका हूँ, ड्राइवर के गांव के पास आ चुका हूँ। अब मुझे बस यहाँ से किसी तरह यहाँ से लॉस सैंटोस सिटी पहुँचना है। टनल में जाने के बाद आगे का सोचते हैं कि आगे क्या करना है। अरे सीधी हो गया गाड़ी, ये आदमी आके खड़ा हो गया, ये मर गया। बस मुझे होगी, चलो मैं इस तरह वहाँ से बच बचा के लॉस सैंटोस सिटी तो आ गया। बस अब यहाँ से सीधा निकलना है, थोड़ी सी दूर जाते ही वरना हाईवे आ जाएगा, हाईवे पे वो टनल है, बस आने वाला अभी हाईवे। मेरे साथ सीधे जाके वो हाईवे ही है। चलो हम हाईवे पे भी पहुंच चुके हैं, अब मुझे बस यहाँ से टनल में जाना है। यार हर तरफ गाड़ी ही गाड़ी, पुलिस ने चेक पोस्ट इतने लगा रखे हैं, हर हर डिवाइडर पे एक चेक पोस्ट है। चलो मुझे शांति से निकलना चाहिए। इसकी गाड़ी की स्पीड भी इतनी अच्छी नहीं है, वेटिंग का दृष्ट गायब होती ना, अब तक तो मैं वहाँ से आराम से एक्सट कर लेते। ये रहे वो लोकेशन, चलो हम यहाँ से पूछते हैं। यार थोड़ी देर यहाँ वेट करते हैं, यहाँ से पुलिस आई तो मुझे फिर उस टनल से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहीं खड़े हुए वेट करते हैं। वैसे मेरे स्टार तो ब्लिंक होना शुरू हो गए हैं। चलो यार अब चलते हैं जल्दी से, मुझे यहाँ से निकाल के वो रेलवे लाइन के दौरे निकाल देना चाहिए, फिर मैं वहाँ से आगे देखता हूँ कि आगे क्या करना है। या अच्छी बात है यहाँ कोई वर्कर नहीं है, और मुझे जल्दी से जल्दी गाड़ी भी बदलनी पड़ेगी, फिर वो इस गाड़ी से हमारी लोकेशन ट्रैक कर लेंगे। अभी वो सर्च तो कर ही रहे हैं, वैसे टनल्स में कम ही पुलिस आती है। यहाँ से ट्रेन आने वाली है ऐसा लग रहा है, चलिए ट्रेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली हो तो और अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।